जय से पुकार रहा है, उस पुकार में आपका साथ और सहयोग की जरूरत है। प्रत्येक को मेरा नमस्कार। जब हमारे केंद्रीय साहब जब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जब उन्होंने जन्म लिए आज हमने मन पर उपस्थित हमारे सरकार ने वहां के माइनोरिटियों को रक्षा नहीं किया और 27% से आज 3% रह गए हैं। वहां की बहुत बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। आज बांग्लादेश के हमारे बहुत सारे हमारे बंगाली भाई यहां उपस्थित हैं। बांग्लादेश से जो लोग हिंदू भाई आए हैं किस परिस्थिति में आए हैं, जिस दिन सीएबी बिल पास हो रहा था आप देखे होंगे, आसाम का एमपी भाषण दे रहा था, मात्र उसके घर से 60 किलोमीटर बॉर्डर एरिया है बांग्लादेश का, कह रहा था उसके आंखों से आंसू बह रहा था और कह रहा था कि जब हमारे दादा निकले घर से तो घर का दरवाजा खोल के निकले थे कि हमारी जो बुआ थी, हमारी जो घर की महिलाएं थी, अगर उनको पता चल जाता तो उनको जबरदस्ती रोक कर उनका धर्म परिवर्तन करके उनके साथ बलात्कार किया जाता, इसीलिए हम लोग को छिप के भागना पड़ा था। एक सांसद का बयान है, वो भी सदन नोट है और एआई नोट जो होती है वो सैकड़ों वर्ष के बाद भी वो नोटिंग मिलेगा। आज अगर उनको हक मिला, अगर उनको भारत वर्ष की नागरिकता दी, ममता बनर्जी कहती है आमी सीएबी मानवो ना, अरे आप होती कौन है, अब भी नहीं रह गया, अब ये हो गया है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। सही कौन कर दिया? देश के राष्ट्रपति ने, और ये कानून बन गया। आप किसको बरगला रहे हैं? आपको पासपोर्ट देने का अधिकार है? मुख्यमंत्री को पासपोर्ट देने का अधिकार है? वीजा देने का अधिकार है? भारतवर्ष का सेना का मालिक कौन? केंद्र सरकार। भारतवर्ष के तमाम बॉर्डर का मालिक कौन? केंद्र सरकार। तो ममता बनर्जी आप कौन जो बोलते हैं कि हम नहीं मानने देंगे? आप होती कौन है? आप अपने आप को बंगाल का मंत्री है और मुख्यमंत्री का अधिकार है संविधान के दायरे में रहकर संविधान का शपथ आप खाई है कि आप संविधान को मानेंगे, और आज बोल रही है मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए कि हम ही कौन बोला। आज भाषण दे रही थी हिंदी में कलकत्ता, आज भाषण दे रही थी, क्यों भाई? आप तो कुछ दिन पहले बंगाली बिहारी, पहले हिंदू मुसलमान, बंगाली बिहारी, फिर हिंदू मुसलमान शुरू हुआ है। आप तो बंगाली भाई बेचारे सीधे साधे लोग, उनको भी अब घर जलाया जा रहा है, उनकी जमीन ने लूटी जा रही है। इनका एक ही उद्देश्य है कि इनका संपत्ति लूट लो। आज बताइए तो 19 तारीख को शेर आया का जो दंगा हुआ उसके बाद किस लिए हुआ, क्या कारण था इसके पीछे? इसके पीछे कारण था कि नया बाजार के अगल बगल के रहने वाले तमाम हिंदू लोगों के बाड़ी घर को संपत्ति को जबरदस्ती दखल करना, इसके सिवा कोई कारण नहीं था। कुछ लोग बोलते हैं, हमारे टुनटुन बता रहे थे, बोल रहे थे कि हम माफी, हम लोग के हिंदू धर्म में तेरहवीं कहिया मनाया जाला, तीनों के तेरहवैया हो रही, श्राद्ध भोज हो रही। ममता बनर्जी जी जो कहती है वो करती नहीं, करती है वो कहती नहीं। नैहटी विधानसभा के जब सारे तृणमूल के अपराधी भाग गए थे चुनाव के रिजल्ट के बाद, तो मंच पर खड़ा होकर जो इस शहर का सबसे बड़ा फट्टू है, जिसका नाम मैं नहीं लेते हुए भी बोलता हूँ, इसी कांकी नारा के
दांत चलाने वाला आदमी आज इसको उन्होंने करोड़पति बना दिया। बहुत बड़ा अपराधी है, उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा। अभी उसका बुराई सफाई होके तृणमूल का नेता बन गया, भाग पड़ा देखेगा। उस दिन मैं सुना था कि एक नारा लग रहा था, शेर आया शेर आया शेर आया, वो चोर है चोरमारी का, उसको शेर बना दिया। टीएमसी में शेर बन गया, मनन मित्रा को भी शेर बनाया था। शेर आया शेर आया शेर आया, शेर भागा तो गीदे से भी तेज भागा। अरे शेर बैठा है दिल्ली में जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर, जिसका नाम है अमित शाह। पूरे दुनिया में डंका बज रहा है, कोई भी सामने नहीं है। ट्रंप को भी मिटाना है तो मोदी को मिटाना पड़ा। भारत वर्ष के संसद में बैठ कर आप होकर वोट देकर काश्मीर से 370 धारा बातिल हम लोगों ने करवाया। अभिनंदन के पात्र है, आप अभिनंदन के पात्र है 35A धारा बातिल करने के लिए। आज जिन मुसलमानों को ममता बनर्जी 3 महीने से एनआरसी के नाम पर टीवी में करोड़ों करोड़ों रुपया आपका हमारा पैसा खर्च करके प्रचार करके उनको भड़का के आज रास्ते पर उतारी है। 8 जिला में इंटरनेट बंद है, कश्मीर में पाकिस्तानियों को ढुकने नहीं देने के लिए भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी जब इंटरनेट बंद किए थे तो ममता बनर्जी कह रही थी कि इंटरनेट बंद होएगा लोगों, और 8 जिला में इंटरनेट बंद करके आज तमाम साधारण हिंदू धर्म के लोग, साधारण जो दुकानदार है, यहाँ तक कि मैं बताऊं आमदंगा में टीएमसी करने वाले जो हिंदू दुकानदार थे उनके दुकानों में आग लगा दिया गया। और मैं आज वहां गया था और इस मन से चैलेंज करते हैं तेल मुर्गी आ चुपाली में कहा चल रही है। ये भारत का जंगल के लोग किसी का लिस्ट बना हुआ बड़ा पन्ना में घबराइए ना, आने वाले दिन में और इलेक्शन के पहले इसी मन से चैलेंज करते गए थे कि टीएमसी पार्टी तुम्हारी क्षमता होगा तुम्हारा जीव जी को आप दिखा दो, लेकिन ये कौन सा तरीका है पत्थर मारने लगे तो आज जो 70% मेजोरिटी वाले वो लोग पत्थर चला लेंगे उनको आप कहां जाएंगे। विरोध करना है शांति से कीजिए, अपनी बातें रखिए। मतलब इसका मतलब है कि आम पब्लिक के ऊपर पत्थर चलाएंगे, जुडिशियल ट्रैवल कर रहे हैं, इसके वजह से देखिए कितना ट्रेन रद्द हो गया, ऐसा हाल हो गया कि हमको लग रहा है कि इसको डेवलप करने में कितना महीना और साल चला जाएगा। तो जो लोग ट्रैवल करेंगे यहाँ से बंगाल से, लोग कैसे ट्रैवल करेंगे, सब तो प्लेन से जा नहीं सकते हैं, तो सुविधाएं तो सब आप, परेशानी तो आप ही की बड़ी है, सरकार की तो बड़ी नहीं है, मोदी जी की अमित शाह जी की तो बड़ी नहीं है, अल्लाह के बड़े बड़े नेताओं की बड़ी है, बड़ी बड़े आम आदमी की है। ये सब चीजें तो आपको समझनी चाहिए, अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो कल अपने ही सर से अपने ही हाथ से अपने सर को फोड़ लेंगे आप। ये सब चीजें आप समझिए, ये सब चीजें आप ही के लिए, मोदी जी अगर कुछ कर रहे हैं तो उसको पहले समझिए। भाषण में इतनी बार समझाया है, अमित शाह जी भी ने अपने बातों में इतनी बार बोला है कि नागरिकता जो है बाहर वालों को रखने के लिए, जो यहाँ रहते हैं चाहे वो किसी भी धर्म के हो उनके लिए नहीं है, बाहर वालों के लिए है। बाहर वाले जो हमारे देश में बिना कोई डॉक्यूमेंट के बिना किसी
एमपी के भूल जाते हैं, उनके लिए ये चीज है। तो ये चीजों को समझकर आप अपने जवाब बुद्धिमानी जीव है, हम जानते हैं सभी स्मार्ट हैं, आजकल फेसबुक चलाते हैं, बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं फेसबुक में। तो आप पीड़ित है जो हर तरह की कष्ट झेल रहा है, उसको आप नागरिकता देंगे, उसको आप हर तरह की सुविधा देंगे। तो वही मोदी जी करना चाह रहे हैं। आज कोई ना कोई या आपके अपने परिवार के कहीं बाहर देश में नहीं फंसे हुए और तोड़फोड़ कर दीजिए। आज बताइए कितना नुकसान हुआ बंगाल में, कितने स्टेशन कितने ट्रेन को जलाया गया। और सबसे बड़ी बात है जो बड़े बड़े नेता लोग क्या बोलते करे, तुम अगर ऐसा करोगे तो 70% वाले लोग है ना वो सब मोदी को वोट देने लगेंगे। ये बोलने का तरीका है आपका? आपको तो ये बोलना चाहिए कि जो ट्रेन में नागरिक है जो ट्रेवल कर रहे हैं उसमें ना ही तो कोई हिंदू है ना ही कोई मुस्लिम है, वो तो एक नागरिक है। उसका उसमें आपको क्या सुविधा मिल रही थी? कश्मीर में अगर कोई पाकिस्तानी जाए कश्मीर लड़की से शादी करता है तब उसको नागरिकता मिलती है। हमारे देश के मुसलमान भाई अगर शादी करेंगे तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। उनका तो हक बनता है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने जब ये कानून बनाया था तो क्या यहाँ के मुसलमानों के लिए सुविधा नहीं दी थी? क्या किसी पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए सुविधा नहीं दी थी? और जो हमारी देश से हर महीने इतने पैसे जाते थे वहां के डेवलपमेंट के लिए, वो किसका पैसा था? आप आम आदमियों का पैसा था। इतने मेहनत से जो आप कमाते हैं और जो टैक्स भरते हैं पैसा था, तो क्यों नहीं आपको ये सुविधा मिली? आपको तो मिलनी चाहिए। उस वक्त आप लोगों ने आवाज नहीं उठाया, कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं बोला आपने? अरे भाई हमको क्यों नहीं दिया सिटीजनशिप चाहिए? हमको वहां तो मिलनी चाहिए। तो जब ये हटी तो सबके लिए अच्छा है, आपको भी मिलेगी हमको भी मिलेगी, हम भी जाके वहां घर खरीद सकेंगे, आप भी खरीद सकेंगे।